Hey guys, welcome back to our channel Sam Food Challenge and Blogging. So guys, आज लेके आए हैं न्यू वीडियो, मतलब ब्लॉगिंग. आज बहुत दिन बाद आए हैं और दरअसल हम हमेशा बिजी रहते हैं ना, और जो मेरे चाचू भी है संदीप, वो भी थोड़ा ट्यूशन या कुछ मतलब पर स्टडी में बिजी रहता है, तो मैं भी बिजी रहती हूँ मेरी शॉप पे. तो वीडियो बनाने से आज थोड़ा बंद मिला है, छुट्टी का दिन है, तो सोच रहे थे आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूं. तो आज दरअसल अभी तो सामने ही दुर्गा पूजा आ रही है हम लोग का, बेंगोली का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा होता है, आप लोग सबको ही मालूम है. तो आज दुर्गा पूजा है आ रही है, मतलब सब कुछ को सबको को साजना है धजना है. तो दुर्गा पूजा में मुझे सुंदर ना लगे ऐसा हो भी नहीं सकता. तो सुंदर लगने के लिए तो हम लोग फेशियल वगैरह वगैरह करते हैं, वो भी पार्लर जाके. मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, अपने घर पर फेशियल किट सब कुछ मेरे है तो मैं कर देती हूँ. तो आज फेशियल नहीं, दरअसल मैं स्क्रबिंग करूँगी आज. स्क्रबिंग जो मैं स्क्रबिंग करती हूँ, हफ्ते में दो बार स्क्रबिंग करती हूँ, पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ. तो सोच रही थी आप लोग के साथ आज छुट्टी के दिन है आप लोग के साथ शेयर कर दूँ मैं स्क्रबिंग कैसे करती हूँ. तो बने रहे मेरी वीडियो, और अभी सोच रहे हैं मैं फ्रेश होकर स्क्रबिंग करूँ, बिकॉज अभी गर्म आज बहुत गर्म है, तो थोड़ा पसीना से चिपचिपा है स्किन. तो फ्रेश होने के बाद आप लोग से मिलती हूँ. तो गाइस, मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, और ये केयर के हेल्प से मैं बाल को हाइड कर दिया मेरे फेस से, और मैं बाल मतलब जो मैं नहाने के अब 30 मिनट्स बाद में खाना वाना खा के, और ये मेरे हेयर को ड्राई करके मैं फिर आई हूँ. और अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं, ओनली लिपस्टिक है, कुछ क्रीम नहीं है, कुछ कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं है. और मैं पानी का इधर बोल पे पानी ली हूँ, ठंडा पानी. और ये मेरा है स्क्रबर, और अभी मैं ठंडा पानी से मेरे फेस को क्या कर रही हूँ, जैसे ड्राई है उसको थोड़ा थोड़ा करके फेस पे लगा रही हूँ ठंडा पानी. इसके बाद मैं दूंगी अपने फेस में ये स्क्रब. स्क्रब मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, ये स्क्रब बहुत अच्छा है, मिल्क हनी स्क्रब, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगी, इतनी सी क्वांटिटी की लूँगी, और फिर फेस को कवर कर देगा मुझे. और थोड़ा पानी ले चुकी है इधर, देन स्टार्ट स्क्रबिंग. बहुत अच्छा, ये एक छोटा छोटा वीड्स होता है ना इसका अंदर, ये मुझे बहुत पसंद है. हमेशा ना स्क्रब करने का समय ऐसे ऐसे करना, नॉट ऐसे ऐसे करना. और स्क्रबिंग का समय सर्कल मोशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत यार, मैं अकेले कर रही हूँ ना, कोई और मुझे करके देता तो नींद आ जाता पूरा. ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे हमें, और बाद में मिडिल मिडिल पे वाटर भी देंगे स्क्रबिंग जैसे करते हैं ना. मतलब पार्लर में जाके करने का यही एक अच्छा है, दूसरा करके देता अच्छे से देता, और खुद तो इतने कवर कर नहीं पाती हूँ ना. तो मुझे पार्लर जाने का टाइम भी नहीं. मुझे यहाँ बहुत टैंड, यहाँ बहुत टैंड है, बाद में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे वो मैं ज़्यादा खसरती हूँ. ये देख रही हूँ मेरी फेस, ऐसा लग रही है मैंने फेस वॉश करके और मुंह नहीं धुला के आ गया है ना. तो ऐसे ऐसे रेगुलरली करेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 4 मिनट, हाँ 3 से 4 मिनट ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके आप फेस को धुला दूंगी. अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं मेरा, तो और थोड़ी कर देती हूँ, ज़्यादा खूबसूरत होना है पूजा में, मुझे भी स्पेशल लगे.
कंटिन्यूली 4 से 5 मिनट मैंने ऐसे स्क्रबिंग किया है। अभी वॉश करके आती हूँ। मुझे और भी ट्रिक्स आता है ऐसे, आप लोग को आता है क्या? तो ये देखो मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, मेरी लिपस्टिक भी गायब हो चुकी है। अभी मुझे लग रही है पागल पागल पागल, यार मैं क्या बोल देती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने पूरा ठंडे पानी से फ्रेश होके आ चुकी हूँ, ना अच्छा लग रहा है मुझे, और अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग को तो मालूम है स्क्रबिंग करने का बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो जेल या कुछ मॉइस्चराइजर। अगर हम लोग स्क्रबिंग करते हैं हम लोग का फेस ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई ऐसे रहने से मतलब फेस के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं तो हमेशा क्या यूज़ करती हूँ, क्रीम ही यूज़ करती हूँ, जेल यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब एलोवेरा जेल। तो मैं अभी यहाँ क्रीम यूज़ करूँगी जो मेरी मोस्ट फेवरेट क्रीम है, सॉफ्ट क्रीम। ये क्रीम ना बहुत सॉफ्ट है और देख पा रहे हो कितना अच्छा रिजल्ट। दोनों हाथ से अप्लाई करती हूँ, गिर गई मेरी क्रीम सब। तो अच्छी तरह से था, इधर में नोखने लग गई मेरी, हो गया क्रीम अप्लाई कर ली। और अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और डार्क लिपस्टिक नहीं, आज मेरे पास है न्यू न्यू लिपस्टिक, न्यू कलर का। ऐसे भी मेरे पास न्यू लिपस्टिक है, 5 से 6 है न्यू लिपस्टिक। मैं कभी कभी न्यू लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। मैं कौन सी अभी अप्लाई करूँ, ये या ये, ये या ये, ये वाला करती हूँ। ये न्यूड कलर कैमरा पे कैप्चर हो रही है ना क्या, मुझे भी नहीं मालूम। तो दिख रहा है आप लोग को, तो ऐसा आप लोग स्क्रबिंग करो। और मैं स्क्रबिंग का नाम तो नहीं बता पाऊंगी। सो आज के लिए मैं इतनी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, वरना वीडियो इतने से लंबा हो जाएगा। तो आप लोग के साथ बात करने के लिए मैं आई थी आज इतना दिन बाद ब्लॉग लेके। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और पास के बेल आइकन को टिंग करके बजा दे। आप बेल आइकन को टिंग करके बजा दोगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी साथ साथ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो लेके, तो बाय।